हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे पास है महिंद्रा ट्रियो की 3000 वाट की मोटर। बहुत ही जानदार और शानदार मोटर है, बट प्रॉब्लम इसके अंदर क्या आई है, कस्टमर का कहना यह है कि ये कभी रुक जाती है और कभी चल जाती है। जैसे कि कंपनी में गया था, लैपटॉप से कनेक्ट किया कंपनी वालों ने, तो वो बोल रहे हैं कि मोटर आपकी ख़राब हो चुकी है, आपको नहीं लेनी पड़ी। तो किसी तरीके से कॉन्टैक्ट मेरे से हुआ, मोटर मेरे पास आई, फिर मैंने इसको खोल के देखा तो इसके अंदर पानी जाने के कारण मोटर बार बार हीटअप हो रही थी, और हीटअप के कारण ये बार बार ट्रिप भी हो रही थी। ट्रिप होने का मतलब ये होता है कभी चलती है, कभी रुक जाती है, कभी झटके लेती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से पहले आपको बाई निशान लगा के खोलना है। जैसे कि ये मैग्नेट की कटोरी है, यहाँ पे मैंने मार्कर से निशान लगाया और निशान लगा के आपको भी खोलना है। अगर आप इसमें निशान लगा के नहीं खोलोगे तो इसके अंदर एक टाइमिंग का सिस्टम होता है, वो आउट हो जाता है। वो आपसे बैठ भी सकता है, नहीं भी बैठ सकता है। आफ्टर ऑल मैं तो इन मोटरों के अंदर काफ़ी मैं घुस चुका हूँ, इसलिए मुझे बहुत इसके अंदर नॉलेज है कि मैग्नेट की कटोरी किस तरीके से मुझे टाइमिंग इसकी सेट करनी है। तो आपको, अगर आप फ्रेशर हो, नए हो, इस मोटर को नए नए खोल रहे हो, तो आपको निशान लगा के खोलना है। तो आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे बैक कवर भी ओपन हो चुका है और मोटर के अंदर का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। तो सामने वाला आपको कवर भी खोलना पड़ेगा, उसके बाद ये पूरी मोटर ओपन होगी। ओपन होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये पानी के कारण बार बार ट्रिप हो रही थी। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन यही है कि आपको अच्छे तरीके से इसको पेट्रोल से वॉश करनी है, और वॉश करने के बाद हॉट एयर गन से आपको इसको सुखानी है। सुखाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ एक बार फिटिंग कर लेनी है अच्छी तरीके से। जिस तरीके से आप इसको ओपन करोगे, उसी तरीके से आपको इसकी फिटिंग करनी है, और फिटिंग करने के बाद आपको स्टार्ट करना है, तो ये नॉर्मली स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेट भी निकल चुका है हमारा, और मैग्नेट की अगर हालत देखें तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये पानी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से चली है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा जंग लग चुका है मैग्नेट के ऊपर। और अंदर की जो फील्डिंग है, कॉइलिंग है, वहाँ पे भी पूरा जंग वगैरह लग रहा है पानी जाने के कारण। उससे क्या हो रहा है, ये बार बार ट्रिप हो रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आपको पेट्रोल लेना है या थिनर लेना है, दोनों में से कोई सा भी चलेगा। अच्छी तरीके से वॉश करना है, वॉश करने के बाद दोबारा से उसी तरीके से फिटिंग करनी है, और फिटिंग करने के बाद जब आप इसको चलाओगे तो आपको 5 से 7 मिनट के लिए इसको नॉर्मली चलाना है बिना रिक्शा में बांधे। उससे क्या होगा, जितना हमारा इसके अंदर पेट्रोल वगैरह गया है, वो जब ये रनिंग में आएगी मोटर, तो गर्म होने के कारण वो, वैसे तो वो अच्छी तरीके से हम इसे असेंबली से सुखा देंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ थोड़ा बहुत पेट्रोल वगैरह, नमी वगैरह इसके अंदर रह जाती है। जब हम इसको नॉर्मली कंट्रोलर से कनेक्ट करने के बाद इसको चलाएंगे 5 मिनट या 7 मिनट के लिए, तो ये थोड़ा गर्म होगी, और गर्म होने के बाद जितना मॉइस्चर वगैरह इसके अंदर बचा होगा वो भी सारा सूख जाएगा। तो उससे हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि मोटर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की नहीं बनेगी, और जानवन तरीके से ये चलेगी जिस तरीके से ये नई मोटर चलती है। तो आफ्टर ऑल यहाँ पे आप देख सकते हो, मैग्नेट भी हमने धो दिया है पेट्रोल से, और फील्डिंग भी इसकी धो दी है। अब करना क्या है, हॉट एयर गन से आपको इसको हवा लगानी है, ताकि ये अच्छी तरीके से जितना भी हमने पेट्रोल वगैरह इसके अंदर लगाया वो सारा खुशक हो जाए, सूख जाए। उसके बाद ही हमें इसकी फिटिंग करनी है, और फिटिंग करने के बाद भी मैं आपको एक बार चला के दिखाऊंगा किस कंडीशन में ये चल रही है, इसके अंदर कोई फॉल्ट बन रहा है या नॉर्मली ये चल चुकी है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको सेंसर भी इसके चेक करके दिखा देता हूँ। सेंसर ऑलरेडी मैंने चेक कर लिए थे, लेकिन एक बार आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। सेंसर इसके बिल्कुल ओके निकले हैं। मल्टीमीटर को आपको बीप पे लगाना है, बीप पे लगाने के बाद माइनस प्लस को चेंज करना है, उसके बाद वैल्यू चेक करनी है। 600 साढ़े 600 के आसपास एक सेंसर की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे तीनों सेंसर की वैल्यू प्रॉपर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो सेंसर है वो बिल्कुल ओके हैं, और ओके कंडीशन में ही वो काम कर रहे हैं, इसीलिए उसकी वैल्यू भी बराबर प्रॉपर आ रही है। तो अब चलते हैं इसको एक बार और पेट्रोल से वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद हॉट एयर गन से इसको सुखा लेंगे, और सुखाने के बाद इसकी फिटिंग करेंगे, और फिटिंग करने के बाद आपको चला के भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक बार मैं पेट्रोल से इसको और वॉश कर लेता हूँ, ताकि जितनी भी इसके अंदर नमी वगैरह, मॉइस्चर वगैरह बचा है वो सारा क्लीन हो जाए, और उसके बाद हॉट एयर गन से इसको सुखा लेंगे। सुखाने के बाद ही इसके अंदर फिटिंग करेंगे, और फिटिंग करने के बाद इसको कंट्रोलर से कनेक्ट करेंगे, और फिर इसको रनिंग कंडीशन में लेकर आएंगे। तो मैग्नेट हमने इसके अंदर डाला, तो आपने देखा कि कितनी जान से पावर के साथ मैग्नेट इसके अंदर गया है। और उसके बाद फ्रंट कवर को हम क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद बैक साइड में चलेंगे, बैक साइड का कवर लगाएंगे। बैक साइड के बाद आपको क्या लगाना है, मैग्नेट की एक कटोरी लगानी है, और मैग्नेट की कटोरी आपको मैंने जैसे कि अभी स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की, कि आपको निशान लगा के ओपन करना है, नहीं तो आपको आने वाले टाइम में इसमें दिक्कत होगी। जब आप इसकी फिटिंग करेंगे तो ये प्रॉपरली काम नहीं करेगी। तो आपको क्या करना है, मार्कर वगैरह से इस पर निशान लगा लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसको फिट करना है। तो यहाँ पे बैक कवर के बोल्ट लगभग हमारे
पूरे हो चुके हैं। अब इसके बाद चलते हैं मैग्नेट की कटोरी की तरफ। ये मैग्नेट की कटोरी है, तो जहाँ पे मैंने इसको सेंटर में निशान लगाया था वहीं पे मैंने इसको बिठा दिया है। उसके बाद पाइप की मदद से इसको थोड़ा सा नीचे पहुँचा देंगे। नीचे पहुँचाने के बाद इसके ऊपर सेंसर की पीसीबी को लगा देंगे और उसके बाद उसकी एडजस्टिंग करेंगे थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैग्नेट की कटोरी हमारी बैठ चुकी है, ये सेंसर की प्लेट है, सेंसर की प्लेट को भी हम इसके अंदर बिठा लेते हैं और बिठाने के बाद कंट्रोलर से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद इसकी थोड़ी सी टाइमिंग को सेट करेंगे, जहाँ पे ये फुल स्पीड पकड़ता है वहाँ पे इसको हम हैंग कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे आपको लगे कि पूरी प्रॉपर स्पीड आ चुकी है वहीं पे आपको इसको मैग्नेट को सॉरी सेंसर को हैंग करना है, सेंसर की प्लेट को हैंग करना है। और हैंग करने के बाद इसकी फुल फिटिंग करनी है। फुल फिटिंग करने के बाद भी आपको एक बार चला के देखना है, क्योंकि जो बैक कवर अभी मैं लगा रहा हूँ इसके अंदर एक सील लगी है। अगर ये बैक कवर आपसे सही नहीं बैठेगा तो ये सील आवाज़ करना शुरू कर देगी। उससे क्या होगा, जो हमारी शाफ्ट है शाफ्ट गर्म होगी, गर्म होने के बाद मैग्नेट भी गर्म हो जाएगा, उससे ख़राब होने का खतरा रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई आवाज़ किसी भी प्रकार की नहीं है। ब्लेड हमने इसके अंदर लगा दिया है, ब्लेड लगाने के बाद इसको कनेक्ट कर दिया और कनेक्टिंग पे आप देख रहे हो कि बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। उसके बाद इसका बैक कवर लगाएंगे और फाइनल करेंगे। फाइनल रिजल्ट आपको एक बार और चला के दिखाएंगे फाइनल। तो यहाँ पे बैक कवर भी इसका हमने लगा दिया है। फिटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद इसको नॉर्मल तरीके से रखेंगे और एक बार स्टार्ट मार के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। तो रिजल्ट प्रॉपर अच्छा आया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका दोस्त फुरकन सिद्दीकी फ्रॉम सहारनपुर।